इज योर नेम? माई नेम इज पूर्णिमा देवी। बिटिया क्या करती है आपकी? सीरियल आर्टिस्ट है। सीरियल आर्टिस्ट है। हंसता हुआ ये रानी चेहरा। वाह, प्यार दे रहे हैं बेटा, क्या करें? कहे रोने लग गई आप, रोइए मत चाची। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बंदना। बंदना, सास बहु साजिश में भी काम करती थी। ये आपके पति देव क्या करते थे? मेरा हस्बैंड डॉक्टर थे बेटा। एक टिकुली वाला गाना था आपका, वो सुनाइए थोड़ा सा। सपने सुहाने लड़कपन में, हाँ। नतीनी काम किया है गुंजन का रोल में। बारा बंकी में किस नाम से क्लिनिक खोले थे? हम वहीं के रहने वाले हैं। डॉक्टर एचपी दिवाकर। हाँ। उनका मर्डर हुआ था। पति का मर्डर हो गया था? कहाँ पे? वही बारा बंकी में। पटना की 90 साल की एक ऐसी बुजुर्ग महिला मित्रों जिनका इस संसार में कोई नहीं है, एक बिटिया है जो बॉलीवुड के तमाम सीरियल में काम करती है, और बेटा जो है लेकिन घर में नहीं रखता है। इस वक्त हम लोग पटना के काली घाट पर हैं, दरभंगा हाउस के पीछे, और इस महिला को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपना जीवन काटने पर मजबूर है। एक बेटी है, बॉलीवुड में बड़ा बड़ा सीरियल में काम करती है, फिर भी वो घर में इनको नहीं रखती है। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, अच्छा अच्छा गाना सुनाती है। बिटिया जो है बॉलीवुड में काम करती है, फिर भी आज इनको तमाम दुर्दशा से गुजरना पड़ रहा है और इनकी तमाम दुर्दशा हो रही है। क्या नाम हुआ दादी आपका? पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी कालीघाट गंगा के किनारे। कालीघाट गंगा किनारे रहती हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जी। बिटिया क्या करती है आपकी? सीरियल आर्टिस्ट है। सीरियल आर्टिस्ट है। कौन से सीरियल में काम करती है? सास बहू थी में देखे थे। हाँ। हाँ, और बहुत सीरियल में भुला गए बेटा, अब तो उम्र हो गया। हाँ। भुला गया। क्या नाम है बिटिया का? वंदना। वंदना, सास बहू साजिश में भी काम करती थी। हाँ। और कौन सा कुछ एक सपने सुहाने क्या बता रही थी? सपने सुहाने लड़कपन में। हाँ। नतीनी काम किया है गुंजन का रोल में। हाँ। हाँ। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा सीरियल में वो लोग काम करें, इतना बड़ा बड़ा आदमी है, फिर भी आपको नहीं रखते हैं, क्यों? नहीं रखता है। ये क्या जाने, बताओ, उन लोग का दिल की बात है बेटा। काली घाट पर आप कब से रह रही हैं? हम 1993 से है। 1993 से। और बेटा क्या करता है आपका? बेटा घर में पड़ा रूम में रहता है। अनुग्रह सेवा सदन नहीं है। हाँ हाँ। वहीं पर 1500 किराए में रखते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल है। डॉक्टर बोल दिया कि इसको इलाज मत करना, इसको प्यार दे दो, ये अब नॉर्मल है। तब प्यार दे रहे हैं बेटा, क्या करें? कहे रोने लग गई आप, रोइए मत चाची, रोइए मत, रोना नहीं है। चाची ये बताइए, आपके पति देव क्या करते थे? मेरा हस्बैंड डॉक्टर थे बेटा। हस्बैंड डॉक्टर थे? डॉक्टर थे। हाँ। कलकत्ता में वो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, वहाँ एक तो सीनियर डॉक्टर चोरी कर रहा था। हाँ। तो लड़ाई किया बहुत। हाँ। तुम सीनियर होकर के ऐसा गलत काम कर रहे हो तो जूनियर नहीं करेगा। हाँ। तो लड़ाई हो गया था, रिजाइनेशन दिया। हाँ। तो हमको बोला कि चलो चलो लखनऊ में मेरा दोस्त है। हाँ। वहीं अपना क्लिनिक खोल लेंगे। तो हमको लेके आया बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, हाँ। हाँ, क्लिनिक खोला। हाँ। 5 कंपाउंडर खर्चा था। आपके पति ने खोला? हाँ। हाँ। तो हम बोले ना, देखो बेटा कि कितना किराए पर रहोगे, मकान बना लो। हाँ। तो बेचारा मकान बना लिया, उसका पट्टीदार लोग को न बुझाया। अच्छा ये बताइए, बाराबंकी में किस नाम से क्लिनिक खोले थे? हम वहीं के रहने वाले हैं। डॉक्टर एचपी दिवाकर। डॉक्टर एचपी दिवाकर। हाँ। ये कौन से सन की बात है? हाँ, 90 में। 90s की, मतलब 1990 की। हाँ। उनका मर्डर हुआ था। पति का मर्डर हो गया था? कहाँ पे?
वही बाराबंकी में हॉस्पिटल से कंपाउंडर खर्चा था 5 गो, हॉस्पिटल बंद करके आ रहा था, रास्ते में सब काट दिया। कहीं डॉक्टर एस पी दीवार कर का मर्डर हो गया। मेरा पेट में बच्चा था, दौड़ गए हम, दौड़ करके उठाए हम, कहीं किसने किया है, किसको दोष दे, इसको ई खोले तलाज। उसका परिवार लोग काट दिया था। कौन काट दिया था पैर, कुछ आइडिया था आपको? नहीं आइडिया था, इतना ही आइडिया है, मेरा ससुर ठीक नहीं था। हाँ, मेरा ससुर बहुत खतरनाक था। अच्छा चाची, ये बताइए दादी कि आप कितना पढ़ी थी? हम इंटर पास है बेटा। आप इंटर पास थी? और सब्जेक्ट इंग्लिश ओनली वन वर्नाकुलर। हाँ, और सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश से आप इंटर पास हैं? हाँ, तो इंग्लिश भी जानती हैं? हाँ। अगर हम पूछे व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पूर्णिमा देवी। वेयर आर यू फ्रॉम पूर्णिमा देवी? माय मदरलैंड इज दार्जिलिंग। यू आर फ्रॉम दार्जिलिंग? यस। हाँ, तो देख सकते हैं मित्रों, 12वीं पास है, इंग्लिश से 12वीं इन्होंने पास किया था। पति इनके डॉक्टर थे, पति का मर्डर हो गया, बिटिया जो है इनकी तमाम बॉलीवुड के सीरियल में काम करती है, बेटा जो है वो यहीं पर कमरा लेकर रहता है और आज ये स्थिति में है। यानी एक समय में संपूर्ण तरीके से संपूर्ण संपन्न थी, यानी खुशी का जीवन था, लेकिन आज किस तरीके से बदहाली का जीवन ये जी रही है उसको आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए जो है, आप नौकरी वोकरी नहीं करती थी? नौकरी हम पहले गांधी मैदान से चर्च में भी उन लोग का गीत लिख लेते थे। अच्छा, गीत भी गाती हैं आप? गीत लिखते थे तो उसको संगीत बनाते थे। गीत लिखती थी आप? हाँ। बाप रे बाप। संगीत, एक टिकुली वाला गाना था आपका, वो सुनाइए थोड़ा सा। 95 का है, ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन था गढ़वा में। हाँ। तो मेरा गुरुजी आर्यन स्वामी था, बोला कि पूर्णिमा आज तुमको ये गाना गाना है। हम कहें ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम करते थे बेटा हम। जरा सोचिए यार कि इस वक्त किसी को नहीं पता है इस उम्र में कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, इसके बाद कौन सा गवर्नमेंट, इनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब इंग्लिश के समझ जाइए, इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है इनकी। क्या बोल रही है बताइए? यही ठैया टिकोले गए दैया रे, सासू जी से पूछा ली, नाना दिया से पूछा ली, देवरा से पूछे में हो, देवरा से पूछे में शर्मा गईली दैया रे। वाह। यही ठैया टिकुली हेराय गईले दारे, घरवा में खोजाली, दुआरिया में खोजाली, ना जानू बड़नी हो, ना जानू बड़नी, राय बैले दैया रे, यही ठैया टिकुली हेराय गईले दैया रे। इसमें ऑल ओवर इंडिया में हम निकले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सील ले गया, इसको आज तक क्या मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट सील ले गया था, जो तोहफा मिला था। हाँ। और आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आज तक। कितना उम्र हुआ आपका?
90 वर्ष हो रहा है बेटा। 90 वर्ष की में भी इतना जो है आप रिदम के साथ गा रही हैं, मतलब कहते हैं कि सांस छोड़ देना लेकिन सांस को ले लेकर आप गा रही हैं। अस्ता हुआ ए रानी चेहरा, वाह, जुल्फे रंग सुनहरा, मेरी जवानी तोबा तोबा, दिल रुबा। इंग्लिश में भी कोई गाना गाती हैं? इंग्लिश में तो अभी नहीं गाए हैं। हाँ। नहीं गाए हैं बेटा, भोजपुरी में गाए हैं। भोजपुरी में सुनाइए। जरा सोचिए कि आज के कुछ सालों पहले इनको किसी चीज का कमी नहीं था, जिसका पति डॉक्टर हो, जिसके अंदर में 6-6 लोग काम करते हो, जिनका खुद का क्लिनिक हो, यानी इनके पति ने बाराबंकी में क्लिनिक खोला था और उनके अंदर 6 लोग काम करते थे, ये 90s की बात है। और तब जो है इनके ऊपर, मतलब समझ जाए, किसी भी चीज की कमी तब नहीं थी। लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि आज इनके पास होते हुए भी सब कुछ नहीं, बेटी भी है फिर भी नहीं है, बेटा भी है फिर भी नहीं है, यानी एक पति जो अपना सब कुछ था वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या चाहिए? हाँ बेटा, एक और गाना सुनाती थी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, कैसे था वो? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को। वाह, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सी, मेरी लहर लहर पे लिखी है। मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। वाह। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या शब्द कहें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। दादी हैं, 90 साल की हैं, इस अवस्था में भी इस तरीके से गीत और संगीत गाती हैं। बस आज सब कुछ है लेकिन कुछ है भी नहीं है, और इसी तरीके से इनका जीवन यहाँ पर गुजरता है। हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती हैं, जो है इंग्लिश में भी बोलती हैं। बेटी इनका बॉलीवुड में काम करती है, फिर भी कुछ भी नहीं है। चाची, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जो तुम लोग का मदद करने का यथाशक्ति दान करो बेटा, जो भी हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। चलिए, बस इस वीडियो को दिखाने का मकसद इतना कि यार, जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप के लिए कम से कम जिए, यानी उसको मतलब इतना मत मजबूर कर दीजिए कि वो घर से चला जाए। बाकी कुछ शब्द नहीं, इनको देखने के बाद यही आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान का लोग पूजा करते हैं लेकिन इस धरती पर माँ बाप के रूप में भगवान उसको कोई नहीं पूछता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।